मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस बहुप्रतीक्षित बोनस की मंजूरी दे दी है। योगी के इस फैसले से प्रदेश के 14,82,187 कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इससे राजकीय कोष पर 1,022,75,00,000 का व्यय भार आएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। कोविड-19 की विभीषिका के बीच बदली परिस्थितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली पर बोनस मिलने को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करते हुए दिवाली पर बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस मिलेगा। गत वर्ष की भांति बोनस की 75% धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी, जबकि 25% धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है, उन्हें धनराशि का आहरण कर उससे NSC प्रदान की जाएगी अथवा संबंधित धनराशि PPF खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च 2020 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 30 अप्रैल 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये होगी। तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां अगणित की जाएंगी। 31 मार्च 2020 को वास्तविक औसत परिलब्धियां 7,000 से ज्यादा होने की स्थिति में 7,000 की कल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च 2020 को 30 दिन की परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में दी जाएंगी। तदर्थ बोनस की सुविधा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगी। ऐसे दैनिक वेतन कर्मचारी जिन्होंने 6 कार्य दिवस सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च 2020 को 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया हो और 5 कार्य दिवस सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन कार्य कर रहे हों। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस के आग्रहण के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियां 1200 प्रतिमाह मानी जाएंगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 8,80,187 अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, 6,00,000 राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक तथा 2,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस दायरे में आते हैं।